घर में आप यहीं पर रहे हैं, सचिन के घर के बाहर ही बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब बहू आई है, पाकिस्तान से आई है, सबसे बड़ा सवाल ये है जी, उसका जवाब कैसे देंगे? बहू अच्छी है या आपको लगा था कि सचिन स्थानीय कहीं लोकल से शादी कर लाता? देखिए ये तो, ये दोनों बच्चे जाने अच्छा है बुरा है, हम तो केवल इतना ही है, हम तो पड़ोसी हैं, देखने के नाते आते हैं और आके चले जाते हैं, बाकी खुशी सभी सबको है, सभी समाज। अच्छा, अभी तक क्या पहले दिन आए हैं, रोज देखने आते हैं? ना, रोज देखने आते हैं। अच्छा, रोज देखने आते हैं? हाँ, तीसरा चौथा दिन है, मैं रोज आता हूँ। रोज देखने क्यों आते हैं? बस कुछ लगाव है, अच्छा लगता है। तो देखिए, रोज रोजाना लोग यहाँ पर देखने आते हैं, क्योंकि सीमा हैदर हैं और पाकिस्तान की महिला है, इसलिए लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन है। और देखिए, घर के अंदर आने वालों की भीड़ देखिए, इनको रोका जाना होता है यहाँ पर जब जब लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं। अम्मा कहाँ जा रही है, क्या देखने जाना है? बहू देखने जा रहे हैं। अच्छा, बहू देखने जा रहे हैं? अरे कहाँ से आए हैं? अच्छा, सुना है कि आज आ रहे हैं, तो चार दिन हो गए आए हुए बहू को, भीड़ के मारे ना आए हम तो। अच्छा। नहीं, घर तो हमारे ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है, सीमा हैदर, क्योंकि अब यहाँ पर सचिन की के घर में है वो है, और आप तस्वीरों में देखेंगे इन बच्चों को और जितने लोग यहाँ पर हैं उन सबको रोकना यहाँ पर काफी मुश्किल है, क्योंकि लोगों की भीड़ यहाँ पर देखिए, गली में सब बच्चे या फिर बूढ़े बुजुर्ग हर कोई यहाँ पर सीमा हैदर के घर में आ रहा है, और यहाँ पर कई और लोग भी। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये बाहर से सचिन का घर है, सचिन किराना स्टोर में काम करते हैं, ये उनके पिताजी हैं, क्योंकि शुरुआती जब 4 जुलाई को इन्हें पकड़ा गया था, क्योंकि सीमा यहाँ पर काफ़ी समय से यहाँ पर रहती थी, लगभग 2 से 2.5 महीने का समय था यहाँ पर बिताया था सीमा ने, उसके बाद यहाँ पर वो इन गलियों में रह रही थी। कहाँ जा रहे हैं आप अम्मा? इधर जा रहे हैं, वो मैडम आई है उधर, ताज वहाँ से। कौन मैडम आई है? ये पाकिस्तान से। अच्छा, उन्हें देखने जा रहे हैं। वो महिला ही तो है, देखना क्या है? तो वो है तो महिला, अब ऐसा काम करा ऐसा कोई भी नहीं कर सके। हाँ। जितना करा उन्हें, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई। अच्छा, तो देख के तो आनी पड़ेगी ना। तो मतलब आपके पड़ोस में पाकिस्तान से आई है महिला, तब आप देखने जा रहे हैं? हाँ जी। खुशी है कि यार? खुशी है या ना? खुशी है। अच्छा, खुशी है और क्या पता, दूसरे देश की हमारे देश में आ रही तो खुशी ना होगी, खासतौर से पाकिस्तान से आ रही। हाँ, तो 4 बच्चे ने लेकर चलिए यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए गली है पूरी, इस गली में आप तस्वीरों में देखेंगे, और यहाँ पर जो लोग हैं वो आस पड़ोस के लोग सब अपने घरों से इस महिला को देखने के लिए खासतौर से उसके घर में जमा हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सबको यहाँ पर पता है कि पड़ोस में एक महिला आई है, और इसी वजह से यहाँ पर सुबह से शाम तक यहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता है। कई लोग यहाँ पर दुकानदार हैं हमारे साथ, ये बताइए आपके पड़ोस में एक महिला आई है, पाकिस्तान से आई है, इसी तरह का कोई विरोध वगैरह कुछ किसी को? नहीं सर, कोई विरोध नहीं है जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, पड़ोस में पाकिस्तान से आई है तो आप लोग खुशी है कि? चलो वो सर स्वयं आई है अपने आप, अच्छा है, परेशान थी वहाँ भिजवाते हैं। नहीं, परेशान तो कई लोग पाकिस्तान में, हर कोई हिंदुस्तान में ऐसा थोड़ी आ जाएगा ना, वो स्वेच्छा से आई है, वो आप बता रही थी कि हम वहाँ बहुत दुखी रहते, मारपीट करते थे हमारे साथ जो बताते जी। हाँ सर जी, ये बात देखिए, जो लोग हैं उनके अलग अलग राय है, और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे सब लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर राय ले रहे हैं, और मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। लाला जी, मुला जी आइए, इधर आइए। देखिए यहाँ पर लोगों से हम राय ले रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर बैठिए आप, ये बताइए पड़ोस में आपके महिला आई है, लोगों का सुबह से शाम हुजूम हो रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, कहेंगे क्या भैया, एक आदमी हमारे यहाँ बड़गा, हम तो खुश हैं इस मामले में, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, और क्या। लोग ज्यादा खास तौर से क्योंकि पाकिस्तान से आई है और महिला है, 4 बच्चे लेके आई है, हमारे देश में 5 जने तो बढ़ गए, अच्छी बात है, यही कह रहे हैं और क्या कहेंगे आप। यहाँ लोगों में किस तरह का कोई विरोध ना? ना ना, यहाँ कुछ ना, सब प्यार मोहब्बत है हमारे यहाँ, विरोध हमारे यहाँ कुछ। लोग खुश हैं कि सचिन की जो महिला जो आप पत्नी बनेंगी वो? बिल्कुल सभी खुश हैं यहाँ तो, और कोई हमारे यहाँ किसी किस्म की कोई बात ना। कई लोग विरोध कर देते हैं भाई पाकिस्तान से आई है इनको यहाँ ना, 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 नहीं रखा जाए। ना हमारे यहाँ कोई विरोध ही ना है, सब प्यार मोहब्बत है हमारे यहाँ, किसी किस्म की परेशानी ना है। देखिए यहाँ पर के लोग हैं स्थानीय लोग, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप भी कुछ कह रहे थे?
है ना, सब खुशी का माहौल है, कोई कैसी दिक्कत नहीं, सब खुश हैं, सब लोग आशीर्वाद दे के आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जो इलाका है ये बिल्कुल देखिए गांव है रबुपुरा, रबुपुरा गांव ग्रेटर नोएडा में है, और यहाँ पर लोगों में काफ़ी खुशी, एक कौतूहल होता है जो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग यहाँ अलग अलग दूर दराज से आ रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान से महिला आई है। आप लोगों ने भी बहू देखी? नहीं, पाकिस्तानी वाली नहीं देखी आपने? देखी मैडम? हाँ देखी, देखी थी। कब मिल के आए यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर हर कोई जिस जिसको पता है वो अपनी जानकारी रख रहा है, क्योंकि ये पुराना इलाका है रबुपुरा, एक गांव है ग्रेटर नोएडा का, और ग्रेटर नोएडा में जब से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर यहाँ पर पहुँची हैं, और सचिन नाम के लड़के के साथ प्यार मोहब्बत के बाद अपना रिश्ता निभाने के लिए पाकिस्तान की सरहद को पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हुई हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जमावड़ा आपको दिखाई देगा, और लोग यहाँ पर जगह जगह जो को हमारे पीछे हों चाहे आगे हों, लोगों का जमावड़ा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। कई लोगों से यहाँ पर लोगों से हमने पूछा, पूछताछ करी, और आप क्या बताएंगे भाई साहब, आपसे भी पूछ लेते हैं। पड़ोस में महिला आई है पाकिस्तान से, लोग बड़ा खुश हैं यहाँ पर आने में। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है जी, अमन चैन मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, बढ़िया खाका मांग रहे हैं। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कई बार लोग विरोध करते हैं कि भाई पाकिस्तान से आइए यहाँ नहीं रह रही है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ बहुत ही बढ़िया, मन की आवाज़ बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ बहुत बढ़िया करके ही इनकी तरफ से ये पूरा जो जवाब दिया जा रहा है, और तस्वीरों में दिखाऊंगा जो पूरा इलाका है यहाँ पर, लोग जो हैं इसे लेकर काफ़ी हद तक खुश हैं, और लोगों से भी मैं बात करूंगा। एक बार कैमरामैन पुजारी इधर आए, क्योंकि गांव के बीच में हम पहुंचे हैं, गांव रबुपुरा है, और रबुपुरा गांव इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त फेमस है। रोज आप लोग देख रहे हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो रही है। तो जो सचिन लेके आए हैं अपनी दोस्त को, क्या कहेंगे उसके लिए? बढ़िया करेंगे, अच्छा करो। अच्छा, अच्छा काम करा है, अच्छा काम करो। आप क्या कहोगे, पाकिस्तान से आई है, थोड़ा सा एक भी रहता है? देखिए लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है सचिन ने, और ये जमावड़ा हमारे पीछे नहीं बल्कि सचिन के घर में भी यही जमावड़ा है, और इस वक्त लोग यहाँ पर खुद ही हैरान हैं, और हर कोई ये सोच रहा है कि ये अच्छा काम किया है सचिन ने, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं यहाँ पर, यहाँ के लोगों से ही पूछना है, क्योंकि कुछ लोगों से और पूछते हैं। पाकिस्तान से अम्मा जी आए हैं? बढ़िया, अच्छी बात है, देखो काम बढ़िया आ गया, और भी बढ़िया बढ़िया परिवार बढ़ो भाई, हमारा बहुत अच्छी बात है, हमें तो बहुत खुश लग रहा, अच्छे हैं, हमारा परिवार बढ़ो। खुश क्यों हो? खुश यूँ है कि दूसरे गांव से आई है, यहाँ रह रही है, पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान पाकिस्तान से आई है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं परिवार वाले भी। लोग तो सोचते हैं पाकिस्तान से आई है, अपने घर में ना घुसने दें। ना तो कोई बात नहीं है, तो हम तो यहीं रख लेंगे, यहीं रख लेंगे, ना जान देंगे, हम बच गए, यहीं रखेंगे हम तो।